देवास जिले के खातेगांव में पुलिस ने दो अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर दो आरोपी के कब्जे से हजारों रुपए की अंग्रेजी शराब और कार जब्त की है। पहली कार्यवाही नेमावर रोड तो दूसरी कार्यवाही दशहरा मैदान से की है। खातेगांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस को काफ़ी दिनों से इसकी तलाश थी। आज खातेगांव पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस बात का खुलासा SDOP ब्रजेश सिंह कुशवाहा ने पत्रकार वार्ता में किया। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। संबंधी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया गया है। उस अभियान के तहत TI खातेगांव को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नेमावर रोड पर अब अंग्रेजी अवैध शराब कोई एक स्विफ्ट कार में लेके जा रहे हैं, जो मतलब अवैध व्यापार करने के लिए। TI साहब ने अपनी टीम को रवाना किया, जिसमें भदौरिया सब इंस्पेक्टर और पूरा स्टाफ था। स्टाफ ने जाके वहाँ फोर्स जो गया था, उन्होंने जाके वहाँ बिना नंबर की स्विफ्ट कार पकड़ी। उसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब 81.7 लीटर कार के अंदर रखी हुई थी। आरोपी कमलेश निवासी भेलखेड़ी और गोलू जाट निवासी भीलखेड़ी को गिरफ्तार किया गया। अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। इसी दौरान और उनके विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई, आबकारी एक्ट के तहत। इसी तारतम्य में एक दूसरी सूचना फिर मिली TI साहब को कि दशहरा मैदान रोड पर भी कोई स्मगलर अवैध अंग्रेजी शराब लेके जा रहा है। उस सूचना पर से फोर्स के साथ जाके दबिश दी गई, तो वहाँ एक टाटा टियागो कार MP09WD9711 में अवैध अंग्रेजी शराब करीबन 23 लीटर रखी पाई गई। आरोपी संजय शेखावत और लखन नायक निवासी पड़िया देव को धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस कार्य को इन लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत से किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है और संपत्ति संबंधी अपराधों में भी थाना प्रभारी खातेगांव उनकी टीम द्वारा काफ़ी वारंटियों को काफ़ी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।